हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती संसार में। फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं अपने खेत में, केले के खेत में। हमारे यहाँ केले की खेती होती है, तो मैं आपको कुछ जो है जानकारी आज अपने केले के खेत के माध्यम से देना चाहेंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये जो कटा हुआ केले का पेड़ है, इससे एक बार फ्रूट ले लिया गया है, इसको हटा दिया गया है। अब इसके बगल से नया पेड़, नया पौधा निकल रहा है, जो कि सकर से निकल रहा है, और यहाँ भी छोटे छोटे सकर्स हैं। तो दोस्तों, एक बार फ्रूट लेने के बाद जब केले के पेड़ की कटाई कर दी जाती है, कुछ हाइट लेकर, आधे मीटर की या जो कुछ भी हाइट हम रखें, उसको मेटॉकिंग कहते हैं। इसको ऐसा इसलिए करते हैं कि जो बगल वाले सकर्स डेवलप हो रहे हैं, उसको इससे न्यूट्रिएंट मिलता रहे, जिससे डेवलप हो जाए। बाद में इसको चाहें तो रखें, नहीं बाद में हटा दें, क्योंकि बाद में खुद ही धीरे धीरे सड़ जाता है। और ये जो बगल से निकलते हैं, इसको सकर्स कहते ही हैं, और इस सकर्स को हटा देना ही डी सकरिंग कहलाता है, जो छोटे छोटे सकर्स निकल रहे हैं। तो ये है दोस्तों हमारा केले का खेत, जिससे एक बार हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं इसके फ्रूट को, और किसी किसी पेड़ में अभी है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये है केले का फूल, इसको भी हटा देते हैं। जब यहाँ फ्रूट्स आ जाते हैं, बाद में इसको रिमूव कर देते हैं, कि थोड़ा डेवलप हो जाए, उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें भी एक बार भी हार्वेस्ट नहीं किया गया इस पेड़ से, इसलिए पेड़ है। उसके बाद जब इससे फल ले लिया जाएगा, इसको यहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई लेकर काट देंगे, उसके बाद ये वाले जो सकर्स हैं, इसको डेवलप होने देंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक आपको एक चीज और बता दें, ये आपको बताना होगा कि जैसे फ्रूट्स जब आ जाते हैं केले में, तो उसको जो सपोर्ट देते हैं, देखिए इसमें सपोर्ट दिया गया है, एक बड़े से डंडे से बगल से इसमें सपोर्ट दिया गया है। इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसको क्या कहते हैं। फ्रूट आ जाता है तो केले का पेड़ एक तरफ झुकने लगता है, तो उसको रोकने के लिए सपोर्ट देते हैं, उस प्रोसेस को कहते क्या है, उसको आप हमें बताइए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।